ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। पंजाब सिविल सर्विसेज जुडिशरी की परीक्षा के नतीजे बीते कल घोषित हुए और इस आए नतीजे में बटाला की रहने वाली नीलम ने एससी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की और उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नीलम ने बताया कि ये उनका दूसरा प्रयास है जब उन्हें सफलता हासिल हुई है, जबकि पहले प्रयास में जिस दिन मुख्य परीक्षा थी उसी दिन उनके पिता का देहांत हो गया था और वो परीक्षा नहीं दे पाई थी। नीलम बताती हैं कि बचपन से उनका सपना था कि वो लीगल सर्विसेज में जाएं और पिता का सपना था कि बेटी जज बने, और इसी वजह से उन्होंने पहले लॉ की पढ़ाई की और 2016 में LLB करने के बाद उन्होंने पंजाब सिविल सर्विसेज जुडिशरी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। जब साल 2017 में उन्होंने पहली बार पंजाब सिविल सर्विसेज जुडिशरी की परीक्षा दी तो वो चुन ली गईं, और जिस दिन 7 सितंबर 2018 को मुख्य परीक्षा थी उस दिन उनके पिता का देहांत हो गया था और इस वजह से वो उस दिन परीक्षा नहीं दे पाई थी, जिसके बाद वो टूट चुकी थी। लेकिन परिवार और दोस्तों के मिले साथ की वजह से उन्होंने एक बार फिर दूसरा प्रयास किया और वो अपने पिता का सपना पूरा कर पाई हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। मेरा नाम नीलम है ते मैं बटाला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तो बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी लॉ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी गुरदासपुर कैंपस तो 2016 पास आउट की। बचपन तो ही मेरा लीगल सर्विसिज़ नू ज्वाइन करन दा सपना सी, ते उस तो बाद जुडिशरी च आन दा ड्रीम सी मेरा। ते अपार्ट फ्रॉम माई ड्रीम, मेरे फादर साहब दा ड्रीम सीगा कि मैं जुडिशरी क्लियर करके जज बना, ते उन्हां दे ड्रीम नू मद्दे नज़र रखते हुए मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की। ते उस तो बाद प्लस टू करन तो बाद मैं 5 लॉ जॉइन किया, तो 2016 पास आउट हो गई। उस तो बाद मैं अपनी प्रैपरेशन स्टार्ट कर दी सी। प्रैपरेशन के दौरान मेरे काफ़ी ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली सपोर्टिव रही है, मेरे टीचर्स जिन्हें गाइडिंग हैंड के अंडर मैं अपनी सारी प्रैपरेशन की, तो हूँ मैं अज सक्सीड कर चुकी हूँ। तो 2016 तो बाद मैं अपनी प्रैपरेशन स्टार्ट कर दी सी एंड फर्स्ट अटैम्प्ट मैं दिता सी 2017 दे विच, बट उस टाइम तो मैं मेन्स एग्जाम्स अपने नहीं दे पाई सी क्योंकि फादर साहब की डैथ हो गई सी मेरे एग्जाम वाले दिन ही, तो मैंने वापस आना पाया घर। दैट वॉज बहुत ज़्यादा डिसकरेजिंग फेज थी लाइफ का एंड बहुत ज़्यादा मतलब, बट उस फेज ने स्ट्रोंग भी बहुत ज़्यादा किया मैं क्योंकि फैमिली दे सपोर्ट रही, फ्रेंड्स की भी सपोर्ट रही, बहुत ज़्यादा सारे ने हेल्प की अगे वधन लई, ते उन्हां दियां विशेस दे नाल बस मैं अज सक्सीड कर चुकी हाँ। सैकेंड अटैम्प्ट च हुण मेरा क्लियर हो गया एग्जाम एंड अज बहुत अच्छा लग रहा।